इस सवाल में आपको दिया गया है कि ये एक वेज है मास कैपिटल एम का, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है मास स्मॉल एम का। आपसे कहा गया है कि इस वेज को हमने कुछ इस तरीके से एक्सेलरेट करवाया है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए से, फोर्स एफ लगा के एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट करवाया है, कि ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक इस वेज पे स्लाइड नहीं किया। ऐसे में हमारे इस वेज ने इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया ये हमसे पूछा गया है। कहा गया सरफेसेस सारे स्मूथ हैं, तो ऐसे में हम लोग इस ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस देखते हैं क्या क्या होंगे। इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस होंगे नीचे की तरफ mg, नॉर्मल के लॉन्ग नॉर्मल, और अगर मैं इस सिस्टम को वेज से देखूं, वेज के ऊपर बैठ के देखूं, वेज के रेफरेंस फ्रेम से देखूं, तो इस ब्लॉक पे एक सुडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, इसकी वैल्यू होगी ma। और इस रेफरेंस फ्रेम में, मतलब वेज के रेफरेंस फ्रेम में, ये ब्लॉक रेस्ट पर है। ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ब्लॉक वेज के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है। तो इस ब्लॉक को हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं फिर से। इस पे क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं? तो नीचे लग रहा है mg, ऐसे लग रहा है नॉर्मल फोर्स। आप आसानी से एंगल पता लगा सकते हो, ये एंगल होगा थीटा, और पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है सूडो फोर्स m। अगर मैं इस नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट कर दूं तो इधर आएगा n cos थीटा, इधर आएगा n sin थीटा। अब हम लिख सकते हैं कि y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन मतलब मैं वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, y डायरेक्शन में n cos थीटा इज इक्वल टू mg। दिस इज इक्वेशन वन। y डायरेक्शन में जो n cos थीटा ये बैलेंस कर रहा है mg को, और x डायरेक्शन में क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो ही है, एक्सेलरेशन है नहीं, n sin थीटा बैलेंस करेगा इस सूडो फोर्स ma को। तो n sin थीटा इज बैलेंसिंग ma, दिस इज इक्वेशन टू। अब बहुत सीधी सी बात है, हमसे पूछा गया है कि नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा। इस एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन की हमें जरूरत भी नहीं है, नॉर्मल की सीधे वैल्यू आ चुकी है एम जी अपॉन कॉस थीटा।